लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑफ अ थिंग तो यार ये एक वीडियो किया था अपन ने ना ट्वेल्थ सी बी एस ई नॉट मतलब हैपनिंग नाइन्टी मिनट पेपर इसमें मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का uh, चीज़ें हो सकती हैं कि एक छोटा पेपर हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन का और मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था बट वही चीज़ आज एक वीक बाद अखबार में आ रही है इफ़ यू कैन सी दिस जहां पे ये लिखा है कि सी बी एस ई में गिव ट्वेल्थ मार्क्स बेस्ड ऑन द पास्ट थ्री ईयर्स तो मतलब अब तीन पॉसिबिलिटीज आ गई हैं सो देर इज अ रे ऑफ होप फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट सोसाइड किया नहीं होना चाहिए पेपर देखो पक्ष लेना हमारा काम नहीं है बच्चों वी शुड नॉट बी टेकिंग साइड्स बट आई गिव यू द थ्री पॉसिबिलिटीज पहले दो थी जो मैंने आपको बताई थी वे बिफोर इट इज अनाउंस्ड इन द न्यूज़ पेपर इट इज इट हैज़ कम इन द टाइम्स ऑफ इंडिया तो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या है तो ये लोग सोच रहे हैं कि तो एक ये भी ये भी साइड थी उस मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें डेफिनेटली ये भी साइड आई होगी जहाँ पे ये बोला गया होगा कि आप पेपर लो ही मत लास्ट थ्री इयर्स के बेसिस पे लोगों को मार्क्स दे दो देखो स्टेटिस्टिकली बात करें तो यार ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है मतलब अगर आप खाली स्टेटिस्टिकली बात करो बट यार ये सब्जेक्टिव हो जाता है कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है इससे कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है इससे सो दैट इज़ वाई इसको पूरा पूरी तरीके से वे करना पड़ेगा अब चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ आई मीन नाइल ना वट शो यू वाई एन अकेडमी जे इज़ ऑलवेज हेड ऑफ़ द कर्व आपको भी जान की खुशी होगी एग्जैक्टली exactly सेम चीज़ अब यहाँ पर आ गई है उस टाइम पर कई सारे लोगों ने हमारे आस पास वाले लोगों ने हमें बोला भी था कि यार ये या आपको कैसे पता है नॉन दैट आई वी वी कैप मम हमने कुछ बोला नहीं था बट नाव यू कैन सी यहाँ पर पूरा दे रखा है दिस इज़ द ए ऑप्शन एंड यहाँ पर ही इन लोगों ने बी ऑप्शन के बारे में भी बात की है ये बी ऑप्शन तो आप इसको पढ़ सकते हैं ए इज़ टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम फॉर नाइनटीन मेजर सब्जेक्ट सबके लिए करो है ना एट नोटिफाइड सेंटर्स बिटवीन ऑगस्ट वन टू ट्वेंटी इन अ सिंगल फेज और बी विच प्रपोजेस शॉर्टर ड्यूरेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम फॉर मेजर सब्जेक्ट्स तो ये थोड़ा सा रिफाइन हुआ है बट अगेन इट्स ऑन द लाइन ऑफ वॉट वी हैड डिस्कस्ड वन वीक अगो ऑलरेडी ठीक है ना सो अगेन दैट इज वाई स्टे टून है ना और ट्यूसडे को कह रहे हैं कि अपडेट आएगी लाइक मतलब वी ऑलवेज़ नो कि हमें बताया जाता है कि अपडेट ट्यूसडे को आएगी या वेंसडे को आएगी विल वेट फॉर द अपडेट ठीक है ना ट्यूजडे हो सकता है कि शायद आए इसमें यही लिखा है कि डॉक्टर निशांक पोखरियाल मे अपडेट ठीक है तो अपने मतलब तुम लोग वहाँ पे जाके मतलब तंबू मत गाड़ लेना uh, मतलब लैपटॉप के सामने इंश्योर करना कि कोई ना कोई देख रहा हो है ना पीरियडिकली देख रहा हो और पूरा दिन वेस्ट मत कर देना उसमें ठीक है सो आई नो बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू ट्यूसडे बोला है तो एकदम से यू नो सब लोग ट्यूसडे को बैठ जाएंगे वहाँ पे ट्विटर पे बैठ जाएंगे कुछ लोग कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ जाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन अकेडमी जी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा ठीक है और और अगर और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो शायद मैं मंडे को ही आपको बता दूँ कि मोस्ट लाइकली क्या होगा ठीक है ना चलो सो दैट्स अबाउट इट गाइज थैंक यू सो मच एंड विल स्टार्ट द डेली मोटिवेशन ऑल्सो वेरी सुन आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना और आप हम लोग हम आ, हमारी पूरी टीम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं विच इज़ टी डॉट एम ई स्लैश नमो चैट द इंटायर फैमिलीज़ देर मतलब यू ऑल आर फैमिली प्लस के स्टूडेंट्स हो गए यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो गए सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट वहाँ पर भी कई सारे ऑडियो नोट्स और इंटरेक्शन होता रहता है थैंक यू सो मच एवरी वन लव यू टेक केयर और हाँ स्टे सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन ऑल्सो बाय बाय तो नोटिफिकेशन